आओ बालको, सभी लड्डू खा लो। मैं तुम्हें भूल कर भी नहीं भुला सकती पुत्र, किंतु इन बच्चों में तुम्हारी छवि देखकर अपने मन को संतुष्ट कर लेती हूँ। और साथ ही ये आशा करती हूँ कि तुम मैं एक दिन अवश्य आओगे और मेरे हाथ से लड्डू खाओगे। प्रिय, संबंध का बंधन तो बंधनों से मुक्त होकर ही बल पाता है, इसलिए आप अपने मातृत्व पर विश्वास रखिए और निशंक होकर गणेश को जाने की अनुमति दे दीजिए। अटूट है एक माता और पुत्र का स्नेह संबंध स्वामी, ये जानती हूँ मैं, किंतु यही मेरी शंका का कारण भी है स्वामी। एक माँ ने इतने समय तक पुत्र गणेश से दूर रहकर पीड़ा सही है, अब कहीं उसके वहाँ जाने पर मैं भी उसी पीड़ा की भागी ना बन जाऊं। किंतु यदि पुत्र गणेश देवी अदिति की ममता में रम गया तो मैं कहीं टूट ना जाऊं। नहीं प्रिय, नहीं, चंदन की सुगंध दूर जाकर भी चंदन से विलग नहीं होती, और कभी कभी तो स्नेह दूर जाने पर और फलता है। गणेश आपका पुत्र है, भला वो आपको कहां भुला सकता है। ममता के आंगन में स्वार्थ और शंका का कोई स्थान नहीं है प्रिय, वहां तो केवल विश्वास का वास है, और यही विश्वास की श्वास तो देवी अदिति भी ले रही हैं। मैं जानती हूँ पुत्र, हम दोनों ही अपनी नियति से बंधे हैं। एक तरफ ये माँ है जो अपनी ममता से विवश है, और दूसरी ओर तुम हो जो अपने कर्तव्यों और दायित्वों से विवश हो, इसीलिए नहीं आ सकते। आप समझ गई माता, मैं विवश हूँ, अन्यथा मैं अवश्य आता। माता, उनके मुख पर इतनी प्रसन्नता का भाव, इतने दिनों बाद अपनी माता से भेंट करने क्या खाली हाथ जाओगे पुत्र। तो मैं जा सकता हूँ ना माता, आपकी अनुमति है। हाँ पुत्र, तुमने सत्य ही कहा था, एक माँ की व्यथा तो एक माँ ही समझ सकती है। तुम मुझसे दूर रहोगे, इस कल्पना से ही मुझे इतना कष्ट हो रहा है, तो फिर देवी अदिति के कष्ट का अनुमान लगाना भी कठिन है। उनके कष्ट को तो तुम ही दूर कर सकते हो पुत्र। जाओ और एक संतान होने का कर्तव्य निभाओ गणेश, किंतु खाली हाथ नहीं। ये लो पुत्र, ये पुष्प कंगन तुम माता अदिति को भेंट करना, ये उन्हें अवश्य ही भाएंगे। धन्यवाद माता। किंतु माता, एक समस्या तो अभी भी है। क्या पुत्र, अब क्या समस्या है? अपने पूर्व अवतार की मुझे कोई स्मृति ही नहीं है, तो मैं माता अदिति के पास कैसे पहुंचूं? मैं तुम्हें आशीष देती हूँ पुत्र, कि तुम्हें अपने पूर्व अवतार की सभी स्मृतियाँ धीरे धीरे स्मरण होती जाएंगी। धन्यवाद माता। अब मुझे आज्ञा दीजिए।
जानन को सजनन माता निहारे सम्मित न कर दे पुत्र मन में विचार। देखो गणेशा पूर्व जन्म की जन्मी के दूर देशा हृदय थाम देखे माता गणपति को जाते शिव शंभो माता को ढाढ़स बंधाते। प्रिय किसी भी माँ के लिए अपने पुत्र के प्रति ममता सर्वोपरि है, किंतु आपने अपनी ममता पर स्वार्थ की छाया तक नहीं पड़ने दी। ये इतना सरल नहीं है देवी। आपने न केवल अपनी ममता का सम्मान किया, अपितु संसार की समस्त माताओं की ममता का सम्मान किया है। आपने श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत किया है, इसलिए तो आप जगत जननी हैं। पुत्र मेरी ममता की लाज रखना, अपने पूर्व अवतार की माता को अपनी सेवा से तृप्त करना। मूषक जी दाहिने मुड़िए। अनायास ही मैंने मूषक जी को दाहिने मुड़ने को क्यों कहा? मैं तुम्हें आशीष देती हूँ पुत्र कि तुम्हें अपने पूर्व अवतार की सभी स्मृतियाँ धीरे धीरे स्मरण होती जाएंगी। प्रभु, हम सही दिशा में जा रहे हैं ना? आगे मार्ग नहीं दिखाई दे रहा है। मार्ग है मूषक जी, आगे आम का एक वृक्ष है, उससे दाहिने जाकर सामने के चौरस्ते के बीचों बीच एक शिला दिखाई देगी, फिर आगे चलेंगे तो सामने ही हमारा आश्रम है। इस वन में आम का वृक्ष कहाँ? आम का वृक्ष तो है यहाँ। यहाँ से दाहिने जाना है। प्रभु, आपने जो कहा सब सत्य हो रहा है, किंतु कैसे? आप तो यहाँ पहले कभी नहीं आए। बस मूषक जी, यहीं रुक जाइए। पहले मुझे इस धरती को छू लेने दीजिए, जहाँ से मेरा जन्मों का संबंध है। इस अवतार में नहीं मूषक जी, किंतु अपने पूर्व अवतार में यही मेरा निवास था। प्रभु, अब आप उस शिला पर क्यों चढ़ने लगे? माता मुझे यहाँ से आगे जाने को मना करती थी, किंतु मैं कहाँ रुकने वाला था। अपने बाल हट में यहाँ से भी आगे बढ़ जाता था, माता को बहुत सताता था और फिर उनकी ममता भरी फटकार भी सुनता था। हमारा आश्रम, उसके निकट सब कुछ वैसा ही है। वो अश्वत्थ वृक्ष देख रहे हैं मूषक जी? वहाँ पिताजी महर्षि कश्यप ध्यान करते थे। और ये जलाशय, ये तो वही है जहाँ से माता प्रतिदिन जल भर कर लाती थी।
चलिए प्रभु, मैं आपको आश्रम पहुंचा दूं। नहीं मूषक जी, मेरे पांव इस धरा पर चलना चाहते हैं, जिससे मैं इतने समय तक वंचित रहा। आगे की यात्रा पद यात्रा होगी, क्योंकि वैसे भी माता पिता के चरणों में सभी तीर्थों का वास होता है, इसलिए उनके निकट जाना तीर्थ यात्रा के समान ही होता है। उचित है प्रभु, मैं यही आपकी प्रतीक्षा करूँगा। किंतु जब आपको अपने पूर्व अवतार की इतनी स्मृतियाँ स्मरण हो आई हैं, तो क्या आपको ये भी ज्ञात हुआ है कि आपके उस अवतार का आरंभ क्यों और कैसे हुआ? आरंभ कैसे हुआ? प्रभु, जब आपको अपने पूर्व अवतार की इतनी स्मृतियाँ स्मरण हो आई हैं, तो क्या आपको ये भी ज्ञात हुआ है कि आपके उस अवतार का आरंभ क्यों और कैसे हुआ? आरंभ कैसे हुआ? इसका आरंभ हुआ एक स्वप्न से, वो स्वप्न जो सत्य बन गया। क्या हुआ देवी, आपने कोई दुःस्वप्न देखा क्या? नहीं स्वामी, अत्यंत सुखद, कल्पनातीत, अद्भुत था मेरा स्वप्न। जानते हैं स्वामी, ऐसा स्वप्न आज मैंने चौथी बार देखा है। अच्छा, तो बताइए उस स्वप्न में आपको क्या दिखाई दिया? मैंने देखा कि मैं एक निर्जन स्थान पर हूँ, जहाँ अंधकार ही अंधकार है, किंतु कहीं दूर प्रकाश की एक झलक है। आगे बढ़ते ही प्रकाश बढ़ता जा रहा है, फिर उस निर्मल प्रकाश में परम प्रभु महागणाधिपति के दर्शन हुए, किंतु फिर वो अंतर ध्यान हो गए। फिर उस दिव्य प्रकाश से निकले एक नन्हे बालक के छोटे छोटे हाथों ने मेरे आंचल को पकड़ लिया। स्वामी, मुझे एक नन्हे बालक के दर्शन तो हुए, किंतु प्रकाश के कारण मैं उसकी छवि स्पष्ट रूप से देख नहीं पाई। बस उस नन्हे शिशु के छोटे हाथों ने मुझे अपनी ओर खींच लिया, जैसे एक बालक अपनी माँ को खींचता है। फिर मेरे भीतर ममता का सागर उमड़ आया। संभव है आपका ये स्वप्न मकर संक्रांति के बोझ से संबंधित है, जिसमें आपने अपनी सभी संतानों को निमंत्रित किया है, तभी आपको ऐसी अपार ममता का बोध हो रहा है देवी। अच्छा हुआ स्वामी, आपने मुझे स्मरण करा दिया, मैं तो भूल ही गई थी। हमारे सभी पुत्र आते ही होंगे और सभी आते ही अपना प्रिय भोजन भी मांगेंगे, मुझे जाकर उसकी तैयारी करनी चाहिए। माता शीघ्रता कीजिए ना, शुदा सतारे आपने मेरे लिए खीर बनाई है ना? और माता मेरा प्रिय चूरमा। और माँ मेरे लिए शीरा। तुम्हारी माता किसी का भी प्रिय भोजन नहीं भूली है, सब बना है। माता, ये भोजन के दो अधिक पात्र किसके लिए? क्या कोई आने वाला है? महाकूर्माया नमः।
प्रणाम माता। आओ पुत्र, स्वागत है तुम्हारा। प्रणाम भ्राता वामन। कल्याण हो देवराज इंद्र, आशा है सब कुशल मंगल है। आप सभी चिंताओं से मुक्त हैं? हाँ भ्राता वामन, जब से आपने राजा बलि को पाताल लोक में बाधित किया, आपके कृपा से और माता के आशीर्वाद से समस्त सृष्टि अपनी नियमित धुरी पर स्थिर, हम सभी अपने निर्धारित कार्यों को करने के लिए मुक्त। जहां वर्षा की आवश्यकता है वहां वर्षा है, जहां धूप की आवश्यकता है वहां उचित मात्रा में धूप भी, चारों ओर धन धान्य और समृद्धि। हम सभी अपने भक्तों का ध्यान रखने में सक्षम है। सत्य कहूं तो अब कोई बाधा ही शेष नहीं। बस अब सब कुछ ऐसे ही रहना चाहिए, कहीं पर भी संकट की कोई छाया भी नहीं पड़नी चाहिए। माता, जिस प्रकार भ्राता वामन ने राजा बलि को पाताल लोक में पाठ सिखाया, उसके बाद संकट तो दूर, कोई देवताओं की ओर देखने का साहस तक नहीं कर सकता। बने बातें बंद, ये भोजन का समय है, हमें भोजन का आनंद लेना चाहिए। आसन ग्रहण करो पुत्र। माता, अभी तो आपके सभी पुत्र यहाँ हैं, तो फिर ये अतिरिक्त भोजन पात्र यहाँ क्यों है? क्योंकि मुझे आभास हो रहा है जैसे जैसे मेरा एक और पुत्र है जिसका आगमन होने वाला है। जिसकी प्रतीक्षा है वो अभी तक नहीं आया। माता, प्रत्येक मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर आप अपने पुत्रों को उनका प्रिय भोजन करवा के आनंदित होती हैं, किंतु आज मैं आपको उतना आनंदित नहीं देख रहा हूँ, क्या बात है? सत्य कहा पुत्र, आज मुझे पूर्णता का आभास ही नहीं हो रहा। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा एक पुत्र तो आया ही नहीं, उसे भोजन कराना तो शेष रह गया है। माँ, वो अभी तक नहीं आ सके, किंतु आएंगे अवश्य, वो आपको निराश नहीं करेंगे। कौन आएंगे? वही जिसे माता ने अपने स्वप्न में देखा था। किंतु मैंने तो स्वप्न में प्रभु महागणाधिपति जी को देखा था, फिर एक नन्हे शिशु के नन्हे हाथों ने मेरा आंचल पकड़ लिया, तो क्या प्रभु महागणाधिपति जी? जो वाक्य आपने अधूरा छोड़ा है माता, उसे मैं पूरा कर देता हूँ। परम ब्रह्म महागणाधिपति जी आपके पुत्र के रूप में अपना प्रथम अवतार लेंगे। परम ब्रह्म महागणाधिपति।
अधिपति जी अवतार लेंगे, मेरे पुत्र बनेंगे। ईश्वर के प्रत्येक अवतार के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है, जैसे बलि के उद्धार के लिए आपका अवतार हुआ था, जैसे तारकासुर के वध के लिए महादेव पुत्र कार्तिकेय का अवतार हुआ था, और अब परम ब्रह्म श्री महागणाधिपति जी का अवतार होगा। किंतु उनका उद्देश्य क्या होगा? नरांतक और देवांतक, सरल सहज ब्राह्मण दंपति रुद्र केतु और देवी शारदा के जुड़वा पुत्र। माँ, पिताश्री, हमें अपना आशीष दीजिए, हमारा तप सफल हो। हमारी कामना है कि तुम तप करके ऐसा तेज प्राप्त करो कि संसार तुम्हें एक साधारण ब्राह्मण रुद्र केतु और उसकी पत्नी शारदा की संतान के रूप में नहीं, अपितु तुम्हारे तप और तेज से प्रभावित होकर नरांतक और देवांतक के नामों से जाने। हम वचन देते हैं पिताजी, आपकी कामना पूर्ण किए बिना हम नहीं मानेंगे। भगवान शिव को प्रसन्न करके ही रहेंगे, अन्यथा तपस्या करते रहेंगे। अब हमारे जीवन का बस एक यही उद्देश्य है। उद्देश्य चाहे जो भी हो, मेरे प्रभु मेरे पुत्र के रूप में अवतार लेंगे, ये मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है। अर्थात आपने अपना प्रथम अवतार तभी लिया था प्रभु, है ना? मूषक जी, जैसा पिताश्री प्रभु महादेव ने कहा था, प्रत्येक अवतार के आविर्भाव का एक समय होता है, और वो समय अब निकट था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः प्रभु महादेव, नारांतक और देवांतक का प्रणाम स्वीकार कीजिए। कल्याण हो, मैं तुम दोनों के तप से प्रसन्न हुआ। कहो, क्या वरदान चाहते हो? हमें ये वरदान दीजिए प्रभु कि देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, नाग, पशु कोई भी हमारा वध ना कर सके, हम इन सभी पर अजय रहे। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। प्रिय भ्राता नारांतक, हम अजय हो गए। हाँ भ्राता देवांतक, अब इस भूलोक का अधिपति बनने से हमें कोई नहीं रोक सकता। ना कोई रोक, ना कोई टोक, केवल लगेगा भोग, केवल भोग। हाँ भ्राता देवांतक, अब राजा चाहे कैसा भी हो, तेजस्वी हो, पराक्रमी हो, या हो बलशाली, लेकिन ना हमें वो रोक सकता है और ना टोक सकता है। अब केवल दो ही नाम गूंजेंगे, नारांतक और देवांतक। भूलोक ही क्या, हमारी सत्ता तो स्वर्ग और पाताल लोक में भी होगी, वो भी बिना किसी रोक टोक। हम बनेंगे अब त्रिलोकपति।
भीरु देवताओं, जाओ, चले जाओ यहाँ से। अपने प्राणों की सुरक्षा चाहते हो तो हमारे अधीन त्रिलोक में कहीं दिखाई मत देना, अन्यथा आजीवन कारागार में बंदी बना देंगे। आहा, आहा। देवराज इंद्र, शीश झुका के रखना, झुका के। और भूल कर भी हमसे नेत्र मिलाकर बात करने का दुस्साहस मत करना। क्या? चले जाओ यहाँ से। जब जब धरती पर अत्याचार बढ़ता है, पाप और अधर्म का राज होता है, तो धर्म की सत्ता स्थापित करने हेतु एक अवतार जन्म लेता है। ये समय नरांतक और देवांतक के सत्ता सुख भोगने का ही नहीं, वरन एक नए अध्याय के आरंभ होने का भी था। फिर क्या हुआ प्रभु? देवता फिर कहाँ गए? मैंने माँ को विश्वास दिलाया था। क्या हुआ देवराज इंद्र, आप यहाँ रुक क्यों गए? भीतर जाने का धैर्य मुझ में नहीं है। हमने माँ को आश्वासन दिया था कि किसी भी स्थिति में कोई भी असुर हम पर आक्रमण नहीं करेगा, किंतु दुर्भाग्यवश हमें ऐसी अवस्था में यहाँ आना पड़ा। यदि माता हमें ऐसी अवस्था में देखेगी तो उनका हृदय आहत होगा। हमारा लौट जाना ही उचित होगा। माँ का हृदय तो तब भी आहत होगा पुत्र, यदि उसकी संतानें अपनी माँ से अपना दुख बांटे बिना ही लौट जाएं। संकोच में अपनी माँ से अपना दुख बांटने में वो स्वयं को असमर्थ समझे। क्या हुआ है पुत्रों, ऐसा कौन सा संकट आया है जो तुम सब ऐसी अवस्था में यहाँ हो? सभी देवता यहाँ इस अवस्था में, क्या हुआ आप सभी को? स्वर्गलोक अब हमारे अधीन नहीं रहा, हम देवताओं का वहां रहना वर्जित है। स्वर्गलोक ही नहीं, अब तीनों लोकों में हमारे लिए कोई स्थान नहीं बचा। माता पिता के निवास स्थान का द्वार तो अपनी संतान के लिए सदैव खुला रहता है, फिर संकोच कैसा? यहाँ से तुम्हें कोई निष्कासित नहीं कर सकता पुत्रों। ये आश्रम तुम सबका भी तो है, आओ भीतर आओ। नहीं माता, यदि उन दोनों दुष्टों को ज्ञात हो गया कि हम यहाँ हैं, तो केवल हमें बंदी ही नहीं बनाएंगे, वो आपको भी कष्ट देंगे, और हम ऐसा नहीं कर सकते। हम यहाँ शरण लेने नहीं, हम तो केवल आपका आशीर्वाद लेने आए हैं माता। कौन है वो दुस्साहसी जिन्होंने तुम्हें इस प्रकार विवश किया है? नरांतक और देवांतक। नरांतक और देवांतक, वही दोनों तो प्रभु श्री मां गणाधिपति के प्रथम अवतार के कारण बनेंगे, यही कहा था वामन देव ने। परम ब्रह्मा महागणाधिपति जी आपके पुत्र के रूप में अपना प्रथम अवतार लेंगे। देवी, अर्थात उनके अवतार का समय आ गया है, वो शीघ्र ही हमारे पुत्र बनकर अवतार लेंगे। माता, अब आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं, इस कष्ट से अब आप ही हमें मुक्त करा सकते हैं माता। जिस प्रकार आपने प्रभु श्री विष्णु के अवतार को पुत्र रूप पाकर हमें राजा बलि से छुड़ाया था, अब समय आ गया है माता, अब इस संकट से आप ही हमें मुक्ति दिलाइए। माता, प्रार्थना कीजिए, परम ब्रह्म महागणाधिपति जी शीघ्र अवतार लें। जब से पुत्र वामन ने मुझे प्रभु के बारे में बताया है, तब से मैं प्रभु की प्रार्थना कर रही हूँ, उन्हें पुकार भी रही हूँ, उनसे गुहार भी लगा रही हूँ कि वो शीघ्र ही मेरे पुत्र बने।
किंतु प्रभु की कृपा तो उनकी इच्छा अनुसार ही होती है। एक माँ के होते हुए उसकी संतान को किसी भी बात की चिंता नहीं होनी चाहिए। अपनी संतान की रक्षा करने के लिए ये माँ असंभव को भी संभव बनाने का प्रयास करेगी। मैं अभी से प्रार्थना आरंभ करूंगी और जब तक प्रभु की आशीष मुझ पर नहीं होगी मैं उनकी प्रार्थना करना नहीं छोड़ूंगी। धन्यवाद माता, अब हमें अनुमति दीजिए। ये कैसी प्रार्थना आरंभ करने जा रही हैं आप देवी? मैं इस संसार की सबसे सौभाग्यशाली माता बनूंगी जब महागणाधिपति जी स्वयं मेरे पुत्र रूप में अवतार लेंगे। नरांतक एवं देवांतक द्वारा स्वर्ग से निष्कासित किए जाने के पश्चात देवतागण तो निराश हो गए थे, परंतु माता अदिति को पूर्ण विश्वास था कि उनके घर महागणाधिपति का अवतार होगा एवं वो सबके कष्टों को हर लेंगे। कोमल से वस्त्र छोटे छोटे से पात्रा जिनमें अग्नि समाये ममता की मात्रा। अद्भुत महारूप विनायक दिखाए देव भेंट अनमोल भिन्न भिन्न लाए। शिव त्रिशूल डमरु ब्रह्मा नीरज प्रदाय परशुरेणु का अंकुश इंद्र देव लाए। रक्तमाल मुक्तमाल भी भेंट आई दाहिका व प्रभंजन शक्ति भी पाई। शेष नाग शय है तु स्व शरीर लाए दिव्य वस्तु में अनेक विनायक पाए। प्रभु, इतने वर्षों से मेरे मन में केवल एक ही आस है कि आपकी माँ बनने का सुख मुझे प्राप्त हो। अब और प्रतीक्षा मत करवाइए प्रभु, मेरी ममता आपको पुकार रही है। प्रभु, आप मेरी गुहार क्यों नहीं सुन रहे हैं? क्या मेरे भक्ति में कोई कमी रह गई है प्रभु? क्या आपकी माता बनने का सौभाग्य मुझे प्राप्त नहीं होगा? क्या मैं आपकी माता बनने के योग्य नहीं हूँ? यदि मेरी भक्ति में आपको थोड़ी भी सच्चाई दिखती है तो कम से कम आपके दर्शन सुख का सौभाग्य तो मुझे दीजिए प्रभु। आइए पिताजी, विराजिए स्वर्गलोक के इस सिंहासन पर। विराजिए इस सिंहासन पर बैठने का सौभाग्य आपका है और आपकी सेवा करने का सौभाग्य हमारा है। संकोच मत कीजिए पिताजी, इस सिंहासन को आपके दोनों पुत्रों ने अपने बाहुबल से प्राप्त किया है। आपके आदेश के अनुसार आपके पुत्रों की प्रसिद्धि संपूर्ण संसार में फैल गई है, वो भी बिना रोक टोक। पुत्रों, तुम्हारे तेजस्वी होने से और तुम्हारी ख्याति संसार के कोने कोने में होने का अर्थ ये नहीं था कि तुम अपने बाहुबल का प्रयोग करो। मैं तो बस ये चाहता था कि
तुम्हारे ज्ञान की प्रसिद्धि सर्वत्र फैले, क्योंकि बाहुबल जिस दिन मिट जाएगा उस दिन उससे पाया हुआ अधिकार भी मिट जाएगा। पिताजी, हमें ना तो कोई रोक सकता है और ना टोक सकता है। आप व्यर्थ ही चिंतित हो रहे हैं पिताजी, और जो हो भी नहीं सकता उसकी चिंता करके क्या लाभ। हम अजय हैं, अजय हैं पिताजी। इतिहास साक्षी है पुत्रों, जिसने भी स्वर्ग लोक पर अपना अनुचित अधिकार स्थापित किया है, विघ्न और सर्वनाश को ही अपना भाग्य बना लिया है। मुझसे और प्रतीक्षा मत करवाइए प्रभु, इस महाकार्य तय अब और विलंब ना सह सकेगा प्रभु। आपके मां बनने का सुख मेरे आंचल में डाल दीजिए प्रभु, अब मुझसे और प्रतीक्षा मत करवाइए। सिद्धि बुद्धि सहिताय महागणपतये नमः। संशय और चिंता त्याग दीजिए पिताजी, क्योंकि तीनों लोकों पर अधिकार कर हमने अपनी शक्ति का प्रमाण दिया है। हमें ना तो कोई विघ्न रोक सकता है और ना कोई हमारा सर्वनाश कर सकता है। सर्वनाश तो हम करेंगे उसका, जो विघ्न बनकर हमारे सामने आए, जो विघ्न बनकर हमारे सामने। विघ्न किसी भी रूप में आए, हम उसका सामना करने को तैयार हैं, वो भी बिना रोक। प्रभु, आपके दर्शन करने के बाद मैं अब आपके पुत्र रूप में भी दर्शन करने को व्यग्र हूँ। अब और प्रतीक्षा मत करवाइए प्रभु, मुझे शीघ्र ही सुख प्राप्ति का आशीष दे दीजिए प्रभु। माता, आपकी भक्ति और आपकी ममता से मैं अत्यंत प्रभावित हूँ, और आपने तो इस प्रतिमा का निर्माण कर एक प्रकार से मुझे पुत्र रूप में पा ही लिया है। बस अब आपका पुत्र बनकर अवतरित होना ही शेष है। तो प्रभु, इस माह पर ये कृपा भी कर दीजिए, मेरे घर आंगन में मेरे पुत्र की किलकारी गूंजे, स्वयं आपकी बाल लीलाओं के दर्शन मुझे मिले। प्रभु, मैं अपनी सारी ममता आपके ऊपर न्योछावर कर दूं। मैं भी आपके वात्सल्य को पाने के लिए तत्पर हूं, किंतु क्या प्रभु? किंतु मैं तभी आऊंगा जब आप मुझे एक वचन देंगे। कैसा वचन प्रभु? जिस दिन मेरे अवतार का उद्देश्य पूर्ण होगा, आप मुझे लौटने से नहीं रोकेंगे। कहिए, क्या ये आपको स्वीकार है? किसी भी माँ के लिए कठिन ही नहीं, असंभव होता है अपने पुत्र को अपने आंचल की छाप से दूर करना, किंतु इस असंभव कार्य को संभव करना होगा आपको। भविष्य में अपनी ममता को विचलित होने से रोकना होगा आपको। समय आने पर आप मुझे नहीं रोकेंगे, ये वचन देना होगा। ऐसा कर सकेंगे आप? नहीं रोकूंगी प्रभु, मैं वचन देती हूं आपको, एक माँ और उसकी ममता किसी शब्द के अधीन नहीं होती। मुझे विश्वास है कि तब मेरे शब्द नहीं, मेरी ममता बोलेगी। मेरी ममता के अथाह सागर में डूबने के बाद
आपकी तो स्वयं ही लौटने की इच्छा नहीं होगी तो फिर मुझे कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं होगी। आप निश्चिंत रहिए, मैं आपसे कुछ नहीं बोलूंगी। उचित है माता, तब मैं शीघ्र आपके पुत्र रूप में अवतार लूंगा, आपके पुत्र रूप में अवतार लूंगा, आपके पुत्र रूप में अवतार लूंगा, आपके पुत्र रूप में अवतार लूंगा। ममता का प्रणाम स्वीकार करें प्रभु। माँ के मन में तुम्हारे आने की आस जागृत हो चुकी है। अब इस माँ से और प्रतीक्षा मत करवाना पुत्र, शीघ्र आकर अपनी माँ का आंचल थाम लेना। माता, 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 तुम्हारी मधुर वाणी से ये शब्द सुनना चाहती है ये माँ। तुम्हें देखने के लिए मेरे नयन तरस रहे हैं पुत्र। अब और विलंब मत करना पुत्र, शीघ्र से आ जाना। स्वामी, हमारी इच्छा पूर्ण होने वाली है, प्रभु ने हमारी सुन ली। स्वामी, अब वो शीघ्र ही हमारे पुत्र के रूप में आने वाले हैं। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अपने कोमल से पुत्र के लिए तुम्हारी माँ ने ये छोटी सी कोमल सी गद्दी बनाई है स्वयं अपने हाथों से। अब और प्रतीक्षा मत करवाओ पुत्र, अब बस आ जाओ। कोमल से वस्त्र छोटे छोटे से पात्रा, जिनमें अग्नि समाई ममता की मात्रा। Thank you.
तुम्हारा मुख नन्हा होगा तो तुम्हारे भोजन के पात्र भी तो नन्हे होने चाहिए ना। इसलिए देखो तुम्हारी माता ने कितने नन्हे से भोजन पात्र बनाए हैं तुम्हारे लिए। पुत्र, तुम्हारी माँ ने स्वयं अपने हाथों से कितने प्रकार के स्वादिष्ट पकवान बनाए हैं। अब और प्रतीक्षा मत करवाओ पुत्र, तुम बस आ जाओ। माता, पुत्र, कहाँ गए तुम? माता, माता, पुत्र, माता, पुत्र गणेश, जहाँ देखती हूँ बस तुम ही तुम दिखाई देते हो पुत्र। देखो कैसे बिखर गया है ये मोदक, जैसे इसे भी पता है कि इसे खाने वाला यहाँ से बहुत दूर है, अपनी इस माँ से बहुत दूर। मैंने तुम्हें वहां जाने तो दिया किंतु अपनी पूर्व अवतार की माता से मिलकर उनकी ममता पाकर कहीं अपनी इस माता को भूल ना जाओ। समय बड़ा बलवान होता है मूषक जी, वो सब कुछ परिवर्तित कर देता है, किंतु माता की ममता इस युग की हो अथवा उस युग की, वो कभी परिवर्तित नहीं होती। तुम्हारी माँ ने धूप से कोमल आसन तैयार किया है तुम्हारे लिए। अब इस धूप भरे कोमल आसन पर क्रीड़ा करने से तुम्हें बहुत आनंद आएगा पुत्र। इस माँ की ममता को और मत तरसाओ पुत्र, शीघ्र आ जाओ। देवी, ईश्वर तो धीरज, निरंतरता और दृढ़ता के प्रेमी होते हैं। निरंतरता और दृढ़ता तो आप में है, बस अब थोड़ा धीरज रखिए, अधीर होना उचित नहीं है देवी। अभी कुछ ही दिनों पहले की तो बात है, और यदि ईश्वर ने वरदान दिया है तो वो उसे पूर्ण भी अवश्य करेंगे। माँ का मन तो अपनी संतान के लिए सदैव अधीर ही होता है स्वामी, और कुछ ही दिन आपके लिए होंगे, मेरे लिए तो प्रत्येक क्षण एक युग के समान है। माता, अब तो हम देवताओं के लिए भी एक एक दिन एक एक युग के समान हो गया है। प्रणाम पिताजी। प्रणाम माता। दयनीय दशा हो गई है मेरे पुत्रों की। कितने असहाय हो गए हम माता, दुष्ट ने हमारे पीछे गुप्तचर लगा दिए, वो किसी भी क्षण हमें ढूंढ सकता है।
उन दुष्ट भ्राता हूं। नरांतक और देवांतक को यदि यह ज्ञात हो गया कि हम इन्हीं तीनों लोकों में से कहीं पर हैं, तो वो दुष्ट बड़ी निर्दयता से हमें सदा के लिए अपने मायावी कारागार में बंदी बना लेंगे। उसके आतंक के कारण हम यहां वहां भटकने पर विवश हो गए हैं मां, और अब हमारी निराशा और भी बढ़ती जा रही है। नहीं पुत्र, नहीं। आशा कितनी भी छोटी हो, निराशा से सदैव बड़ी होती है। तब चाहूं और प्रकाश ही प्रकाश फैल जाता है। इसलिए पुत्र, निराशा त्याग कर आशा के दीप जलाओ, क्योंकि अब शीघ्र ही महागणाधिपति उन दुष्टों का संहार करने के लिए अवतार लेने वाले हैं। किंतु पिताश्री, वो अवतरित कब होंगे? वो आएंगे अवश्य, ये विश्वास है हमें, किंतु हम इस स्थिति में कब तक रहेंगे यह हमें ज्ञात नहीं। माता जी, आप ही बताइए कब आएंगे प्रभु। हे प्रभु, अब आप ही से हमें अपेक्षा है। शीघ्र अवतार लेकर हमारे समस्त कष्टों को और विघ्नों को हरने की कृपा कीजिए। देवराज इंद्र, वहां कोई है? हमें शीघ्र अतिशीघ्र यहां से निकलना होगा। आप उचित कह रहे हैं अग्निदेव। माता, पिताश्री, हमें आज्ञा दे। पुत्र, कैसी दुर्दशा हो गई है मेरे पुत्रों की, कि थोड़ा समय अपने माता पिता के साथ बिताने के लिए भी ये लोग मुक्त नहीं है। अब इस माँ के मन को शांति तभी मिलेगी प्रभु, जब आप मेरे पुत्र बनकर आएंगे और देवांतक और नरांतक रूप में संकट को हरेंगे। तब तक मैं ऐसे ही आपकी प्रार्थना करूंगी। प्रभु, यदि अब भी आपके आगमन का संकेत मुझे ना मिला, तो मुझसे अभागन कोई ना होगी प्रभु। भले ही इस आश्रम के सभी दिए बुझ जाएं, किंतु मेरे हृदय का दीपक आपकी आस में जलता ही रहेगा प्रभु। कहीं मेरा मन रखने के लिए आपने मुझे वो वचन तो नहीं दिया ना प्रभु? यदि ऐसा है तो ठीक है, मैं आपको आपके वरदान से मुक्त करती हूँ। नहीं प्रभु, अब और प्रतीक्षा संभव नहीं है मुझसे। इस माँ के धीरज का बांध अब टूट चुका है। आपने वरदान दिया है तो आप उसे पूर्ण कीजिए अभी। और ये मैं आपको एक भक्त के नहीं, एक माँ के अधिकार से कह रही हूँ। यदि आपको आना है तो आपको अभी आना होगा। उचित है प्रभु, तो फिर मैं यहां से जाती हूं। माँ, का अर्थ बताने आया, विघ्न के बादल माँ के मन से मिटाने आया। आज्ञाकार
आसमां को जाने, माता की आज्ञा को वह सर्वोपरि माने। जीवन समर्पित है तुझको माता, सांस सांस अर्पित है तुझको माता, सांस सांस अर्पित है तुझको माता। सुंदर मुख तो मुझे देखने दो। बस ऐसे ही देखती ही रहेंगी मुझे, अपने पुत्र को अपने अंक में नहीं भरेंगी माता। मेरा पुत्र मेरे सामने है, प्रभु आपने इस माँ की ममता की पुकार सुन ही ली, आप आ ही गए मेरे पुत्र। मेरे पुत्र, तुम आ गए पुत्र, तुम आ गए। हाँ माता, आपका आदेश आपका पुत्र कैसे टाल सकता था? नहीं नहीं पुत्र, वो तो बस एक माँ की ममता थी। मुझे क्षमा कर देना पुत्र, मैंने तुम्हें यहाँ आने के लिए विवश तो नहीं किया ना? माता, क्षमा आपको नहीं मुझे मांगनी चाहिए, जो आपसे इतनी प्रतीक्षा करवाई। किंतु मुझे तो आना ही था, आपकी ममता से मैं कैसे वंचित रह सकता था? मैं बहुत प्रसन्न हूँ पुत्र, मैं तुम्हारे आने से बहुत प्रसन्न हूँ। देवी, देवी, माँ का अधिकार तो पुत्र पर होता ही है, किंतु उसके पिता को भी तो उस पर नया वर्षा का अवसर दीजिए। देवी, आपको अवसर अवश्य मिलेगा स्वामी, पहले मुझे तो जी भर कर इसे देखने दीजिए।
पुत्र। कल्याण हो पुत्र। पिताश्री, माता ने मेरी मूर्ति की रचना की, मुझे आकार दिया, अब आप मुझे आशीर्वाद स्वरूप मेरा नाम देने की कृपा कीजिए। पुत्र, तुम्हारा आगमन दिव्य प्रकाश से हुआ है, जो तुम्हारी अद्भुत कांति का कारण है। तुम बल और बुद्धि दोनों में समृद्ध हो, इसलिए तुम महोत्कट हुए और अपने ओज के कारण सब तुम्हें महानायक मानेंगे। तुम्हारा नाम होगा महोत्कट विनायक। तुम्हारा नाम होगा महोत्कट विनायक। तुम्हारा नाम होगा महोत्कट विनायक। जय गणपति, जय विनायक, जय गणपति, जय विनायक, जय विनायक, जय विनायक, जय विनायक देवा, जय विनायक, जय विनायक, जय विनायक देवा, जय विनायक, जय विनायक, जय विनायक देवा। महोत्कट विनायक, महोत्कट विनायक, महोत्कट विनायक, महोत्कट विनायक। इस युग में सबका विघ्न हरने एवं पाप का विनाश करने महागणाधिपति के प्रथम अवतार महोत्कट विनायक का आविर्भाव हो चुका है। तुम्हारा नाम होगा महोत्कट विनायक, महोत्कट विनायक, महोत्कट विनायक। तुम्हारा नाम होगा महोत्कट विनायक, महोत्कट विनायक, महोत्कट विनायक, महोत्कट विनायक, महोत्कट विनायक, महोत्कट विनायक, महोत्कट विनायक। ये किसका विचित्र नाम सुना हमने भ्राता? तुम्हारे काल का नाम है ये। ये समय आश्चर्य करने का नहीं, अपितु सावधान होने का है। नरांतक, देवांतक, क्योंकि तुम्हारा अंत निकट है। महर्षि कश्यप और देवी अदिति के पुत्र के रूप में तुम्हारी मृत्यु का कारण अवतरित हो चुका है और उसका ही नाम है महोत्कट विनायक। तुम दोनों तो किसी भी विघ्न का सामना करने के लिए तत्पर थे ना। सर्वनाश तो हम करेंगे उसका जो विघ्न बनकर हमारे सामने आएगा। विघ्न किसी भी रूप में आया है, हम उसका सामना करने को तैयार हैं। तो अब विघ्नकर्ता विनायक का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। हमारे शासन में किसी भी प्रकार का विघ्न, किसी रोक टोक को सहन नहीं करेंगे हम। भ्राता देवांतक, अब हमें कोई नहीं रोक सकता। बहुत बड़ी भूल कर दी उसने जन्म लेकर। भ्राता देवांतक, भ्राता सुनिए। भ्राता, भ्राता श्री शांत हो जाइए। भ्राता श्री, अत्यधिक क्रोध एवं उत्तेजना कोई ना कोई भूल अवश्य करवाती है, इसलिए शांत हो जाइए। शांत हो जाऊं? ये समय शांत होने का नहीं है भ्राता। जब काल बिना रोक टोक आपके शीश के ऊपर मंडरा रहा हो, वो समय उसको मिटाने का, उसको रोकने का होता है। शांत भ्राता श्री, शांत। मिटेगा भी और झुकेगा भी। जो हमारा काल बनकर हमें चुनौती देगा उसका अंत तो अवश्य होगा, किंतु इस तुच्छ कार्य के लिए भला आपको जाने की क्या आवश्यकता? आपका तात्पर्य क्या है भ्राता? भ्राता श्री, अभी तो उस बालक के मात्र जन्म की घोषणा हुई है। एक छोटा सा बालक है,
भ्राता श्री, जो श्वास हमारे विरुद्ध बहना आरंभ हुआ है, इसके लिए तो हमारे मायावी असुर ही पर्याप्त हैं, जिन्हें हमने देवताओं को ढूंढने का कार्य सौंपा है। उचित कह रहे हो भ्राता, हमारी कूत दृष्टि जिस पर पड़ जाती है ना, उसका पूरा समय आरंभ हो जाता है। इससे तुम पर किसी की भी कुदृष्टि का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा पुत्र। मेरे पुत्र को भूख लगी होगी, है ना? मैं अभी जाकर तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट पकवान बनाकर लाती हूँ, ठीक है? आज प्रथम बार माता अपने हाथों से बनाकर कुछ खिलाएंगी मुझे, तो अवश्य वो अत्यंत स्वादिष्ट होगा। माता, शीघ्रता कीजिए, आपके हाथों के भोजन की लालसा में मेरी भूख और बढ़ गई है। माता, इतने सारे पकवान एक साथ? हाँ हाँ, सब कुछ बनेगा। खीर, हलवा, शीरा, पूरी, मालपुए, लड्डू, चीकी, मेरे अन्य पुत्रों के प्रिय भोजन क्या है मुझे ज्ञात है, किंतु विनायक को क्या भाएगा मुझे नहीं पता, इसलिए सब कुछ बनाना पड़ेगा। गणेश, मेरा पुत्र। पुत्र गणेश, पुत्र नहीं आया। मैं क्या करूं स्वामी, पुत्र गणेश यहाँ नहीं है, तो जैसे किसी काम में मेरा मन ही नहीं लगता, ना भोजन पकाने में और ना भोजन करने में। आपकी व्यथा मैं समझ सकता हूँ प्रिय, पुत्र दूर गया है तो आपका मन कैसे लग सकता है। एक माँ के भीतर की शक्ति तो तभी आती है जब उसका पुत्र मीठे बोल से कहे कि माँ मुझे भूख लगी है, माँ मुझे भोजन दीजिए ना, माँ मेरी सहायता कीजिए। और कभी अपनी माँ के सामने बैठकर अपनी रूठी माँ को मनाए, तो कभी स्वयं रूठकर अपनी माँ से लाड़ प्यार की आशा करे। किंतु आज स्वामी, मेरे गणेश के बिना कितना सूना हो गया है हमारा कैलाश, सूना हो गया है हमारा कैलाश। बस माता, अब तो मैं भी शीघ्र अपना पूर्व में किया वचन निभाकर आपके पास लौट आना चाहता हूँ। फिर क्या हुआ प्रभु, आगे बताइए ना। माता, शीघ्रता कीजिए ना, बहुत भूख लगी है। ये कालकूट विष है जिसके सूंघने मात्र का परिणाम ही मृत्यु है। आहा, इतने सारे स्वादिष्ट पकवान, क्या खाऊं क्या ना खाऊं। ये लो पुत्र, थोड़ा थोड़ा सब चख लो, फिर तुम्हें जो भी अच्छा लगेगा ना, वो बाद में तुम और ले लेना। खा लो, वैसे भी ये तुम्हारे जीवन का अंतिम भोजन होने जा रहा है। पुत्र, ये चखो ना।
अच्छा ये बताओ, इनमें से तुम्हें सबसे स्वादिष्ट कौन सा भोजन लगा? ये वाला या फिर वो जो पहले खाया था वो? माता, मुझे तो प्रत्येक पकवान पिछले पकवान से अधिक स्वादिष्ट ही लग रहा है। तो फिर पुत्र, इन सबके नाम ज्ञात कर लो तुम, तभी तो अपनी माँ को बता पाओगे ना कि तुम्हें कौन सा भोजन अधिक स्वादिष्ट लगा और क्या चाहिए तुम्हें। ये देखो, ये हलवा है, और ये है चूरमा, और ये खीर, और ये मालपुआ। पुत्र और खाओ ना, संकोच मत करो। चखो बालक, जो मैंने परोसा है वो भी चखो, फिर कुछ चखने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ये लो पुत्र, जल पियो। ये लो पुत्र, जल पियो। नहीं माता, अभी मुझे जल नहीं, लड्डू चाहिए। हाँ हाँ, ये लो खाओ। विरजा का बार खाली नहीं जा सकता। अब मैं इस पूरे भोजन पर विष छिड़क दूंगी, तब तो ये विष युक्त भोजन तुम्हें खाना ही होगा। अद्भुत माता, इनका तो स्वाद सबसे उत्तम है, मुझे दो और दीजिए ना। और लो ना पुत्र, ये सब तुम्हारे लिए ही तो है, लो। माता देखिए ना, मेरा पेट तो भर गया किंतु मन नहीं भरा। मैं समझ गई पुत्र कि भोजन में तुम्हें सर्वाधिक प्रिय क्या है। ठहरो विनायक। छोटे छोटे कंकड़ से भी माँ बचाए, कांटा भी ना चुभ जाए ये भय सताए। दूसरी ओर गजानन क्रीड़ा करते। धन्यवाद माता। अति भयंकर राक्षसों के प्राण हरते, जो चिंता मन जग की चिंता हरे। मान की ही देखो चिंता करे, ओ मान चिंता करे। जय गणपति जय विनायक, जय गणपति जय विनायक, जय गणपति जय विनायक, जय गणपति जय विनायक, जय विनायक जय विनायक जय विनायक देवा, जय विनायक जय विनायक जय। माता ये पुष्प कंगन। ओह, इसके तो सारे पुष्प झड़ चुके हैं। माता हर्षाए मन ही मन अवतरत विनायक आंगन में। माता हर्षाए मन ही मन
अवतरित विनायक आंगन मन भावन खेली माने खोला जल धर वात्सल्य का हो माने खोला जल धर वात्सल्य का जय गणपति जय विनायक जय गणपति जय विनायक जय गणपति जय विनायक जय गणपति जय विनायक जय विनायक जय विनायक जय विनायक ये लो पुत्र जय विनायक जय विनायक जय विनायक देवा जय विनायक जय विनायक देवा त्रिलोकाधिपति मुझ कंदर को आज्ञा दीजिए अभी जाकर उस दुष्ट बालक के प्राण सोख लूंगा। नहीं कंदर, नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे। तुम्हारे लिए तो अभी एक अन्य अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है हमारे पास। हमारे पंचराक्षस किस दिन काम आएंगे? वो जाएंगे उस बालक का वध करने के लिए। पूर्ण विश्वास है मुझे, अवश्य सफल होंगे वो। पुत्रो, इतनी कठिन परिस्थितियों में भी तुम सभी इस अवसर पर उपस्थित हुए, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। माता, आज हमारे भ्राता विनायक का उपनयन संस्कार है, तो हम भला कैसे नहीं आते? और अब जब वो स्वयं यहां उपस्थित है, तो हमें उन दुष्टों नरांतक और देवांतक के विषय में तनिक भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। बस अब हम पंच राक्षस यहीं तुम्हारा अंत करेंगे बालक। अश्विना भगः स्वस्ति देव्यदितिर्नरवणः स्वस्ति पूषा असुरो दधातुनः स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना। भिक्षा दीजिए माता। अपने वास्तविक रूप में हमें दर्शन देने की कृपा करें।
मेरी भेंट स्वीकार करो पुत्र। पंच राक्षस मारे गए, महोत्कट विनायक ने उनका भी वध कर दिया। देवांतक, राताश्री, शांत शांत हो जाइए। हे प्रभु महोत्कट विनायक जी, हमारी सहायता करने की कृपा करें। हाँ प्रभु, हमें नरांतक एवं देवांतक रूपी दुष्टों से मुक्ति प्रदान कीजिए। आप चिंता मत कीजिए संदीप, बस आप विवाह की तैयारियां कीजिए, मैं इस विवाह में विघ्न नहीं आने दूंगा। राजभवन का द्वार कर गया। सैनिकों, रुक जाओ दुष्टासुर, आगे मत बढ़ो। जो मुझे रोकेगा वो नहीं बचेगा। अभी से आतंकित हो उठे। सुनो काशी नरेश, मैं कंदर हूँ, त्रिलोकाधिपति देवांतक को नरांतक का दूत हूँ। तुम्हें उनकी अधीनता स्वीकार करनी होगी, और यदि ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे पुत्र के विवाह के स्थान पर युद्ध की तैयारी करनी होगी। अपने पुत्र के मंडप के स्थान पर उसकी चिता तैयार करनी होगी। पाप और अधर्म का अंत निश्चित है। संस्कारी माता पिता के पुत्र होते हुए भी नरांतक और देवांतक अपने कर्म रूपी गागर को पाप और अधर्म से भर रहे हैं। ऐसे पापी और अधर्मियों का अंत ही उनकी नियति है, और उन्हें उनकी नियति से भेंट करवाना, उनका अंत करना, यही मेरे अवतार का उद्देश्य है। प्रभु महोत्कट विनायक जी की जय। प्रभु महोत्कट विनायक जी की जय। प्रभु महोत्कट विनायक जी की जय। शीघ्र उन पापियों का अंत होगा, तब तो मेरे पुत्र का उद्देश्य संपन्न हो जाएगा, और तब जिस दिन मेरे अवतार का उद्देश्य पूर्ण होगा, आप मुझे लौटने से नहीं रोकेंगे।
हमें भी आज्ञा दीजिए। प्रणाम माता, प्रणाम पिताश्री। अग्निदेव द्वारा नरांतक एवं देवांतक से मुक्ति दिलाने की विनती के कारण कदाचित माता व्यथित हैं, क्योंकि ये तो उन्हें भी ज्ञात है कि इस उद्देश्य की पूर्ति के पश्चात मेरे अवतार का प्रयोजन समाप्त हो जाएगा और मुझे माता से विदा लेना पड़ेगा। कभी न देख पाने की कल्पना मात्र से मेरा मन डूबा जा रहा है। तो जब तुम चले जाओगे तो उस पीड़ा को मैं कैसे सहूं? आपसे दूर जाने की पीड़ा सहना तो मेरे लिए भी कठिन है माता। पुत्र को माता, मैं आपसे दूर नहीं जाना चाहता, नहीं जाना चाहता मैं, किंतु नियति से तो कोई भी पार नहीं पा सकता। पुत्र भी मुड़ना चाहे किंतु मन को रोके, पुत्र विदाई से मन आकुल है, माँ और पुत्र दोनों ही व्याकुल है, माँ और पुत्र दोनों ही व्याकुल है। कल्याण हो राजन। कहिए राजन। ऋषिवर, मेरा यहां आने का एक विशेष कारण है। मैं आपको अपने पुत्र के विवाह का निमंत्रण देने आया, और उसका दुखद कारण यह है कि दो अधर्मी भ्राता इस शुभ कार्य में विघ्न उत्पन्न करना चाहते हैं। आप ऋषिवर, प्रजापति ऋषि कश्यप वहां उपस्थित होंगे तो हमें उन दोनों के आतंक से मुक्ति मिलेगी। आपकी उपस्थिति में कुछ अशुभ नहीं होगा और ये विवाह संस्कार बिना विघ्न के हो जाए। कौन है ये दो भ्राता काशी नरेश? नरांतक और देवांतक। इसलिए ऋषिवर, आपका वहां उपस्थित होना अत्यंत आवश्यक है, तभी मुझे उस आतंक से मुक्ति मिलेगी और इस विवाह का संपन्न होना संभव होगा। नरांतक एवं देवांतक का अंत करना ही मेरे इस अवतार का मुख्य उद्देश्य है। हे राजन, यदि नरांतक और देवांतक आपके विघ्न बने हैं तो आपको मेरी नहीं, मेरे पुत्र विनायक की आवश्यकता है। आप उसे अपने साथ ले जाइए। जिस दिन मेरे अवतार का उद्देश्य पूर्ण होगा, आप मुझे लौटने से नहीं रोकेंगी। ऋषिवर, वैसे तो आपके सुझाव पर संदेह करना उचित नहीं, किंतु विनायक तो मात्र बालक है, वो नसुरों को कैसे रोक पाएंगे? विश्वास रखिए राजन, मेरे पुत्र का साथ आपका कुछ अशुभ नहीं होने देगा। आप निश्चिंत होकर इसे अपने साथ ले जाइए। विनायक, काशी नरेश को तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है, और कुछ समय की ही तो बात है। उनके पुत्र का विवाह संपन्न होते ही तुम लौट आना। पिता की आज्ञा तो पुत्र के लिए सर्वोपरि है,
किंतु आपको भी ज्ञात है पिताश्री, नरांतक और देवांतक ही मेरे अवतार के उद्देश्य हैं। उनका वध हुआ तो फिर मैं यहाँ नहीं लौट सकूंगा, क्योंकि यही नियति है। उद्देश्य पूर्ण होने पर अवतार की अवधि भी समाप्त हो जाती है। किंतु पिताश्री, मैं माता से दूर नहीं जाना चाहता। उनसे बिछुड़ना, उसकी कल्पना मात्र मेरे लिए सहस्त्रों विषैले कंटकों के चुभन के समान है। मैं माता के आंचल की छाव नहीं खोना चाहता पिताश्री। अभी मुझे आए हुए समय ही कितना हुआ है, मेरी प्रतीक्षा में माता ने कितनी पीड़ा सहन की थी, तो अब बिना उनकी इच्छा के, बिना उनकी आज्ञा प्राप्त किए भला मैं कैसे जा सकता हूँ। अधर्मी और पापी कितने ही प्रयत्न क्यों ना करें, धर्म की शक्ति के समक्ष उनका विफल होना निश्चित है।